जिले के देहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली लुधावली से 17 वर्षीय किशोरी 17 दिन से गायब है। महिला ने जल्द से जल्द उसकी किशोरी को बरामद करने की गुहार लगाई है। रेखा वंशकार पत्नी दीपक वंशकार निवासी लुधावली ने बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री शिवानी पुत्री दीपक वंशकार आयु 17 साल निवासी लुधावली देहा थाना 28 जुलाई की सुबह 10 बजे लगभग घर से बिना बताए घर से चली गई थी, जिसकी शिकायत देहा थाने में दर्ज कराई गई है। लेकिन 17 दिन गुजर जाने के बाद भी मेरी पुत्री का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। महिला ने बताया कि मेरी पुत्री नौकरी की कहती थी, मुझे शक है कि नौकरी लगवाने के नाम पर ही कोई उसे भगा कर ले गया है। रेखा वंशकार ने बताया कि मेरी पुत्री राहुल के लड़के से मोबाइल पर बात करती थी, इसलिए लड़के का मोबाइल नंबर को ट्रेस कर मेरी पुत्री का पता लगाया जा सकता है। महिला ने बताया कि मेरी पुत्री को जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? कौन समाज हो? कहाँ रहते हो? क्या नाम, पति का नाम क्या है? क्या हो गया? क्या नाम? शिवानी। कब से लापता? 15 दिन से। कैसे आपको कब मालूम चला ये? मुझे उसी दिन 28 तारीख को मालूम चला, काम से लौटी मुड़ी घर पे नहीं मिली। छोटे से बच्चे से बोला गया कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, ट्यूशन वाले को पता किया हमने, हमारे पास नहीं बोला। तो छोटा सा बच्चा कौन था वो? मेरा लड़का था। क्या नाम है उसका? लड़की कितनी उम्र की है? 17 साल की है लड़की। तो किसके साथ चली गई, कुछ पता चला? मुझे नहीं है पता। कब की बात है ये? 28 तारीख की बात है। तो आप करें थी कि वो किसी लड़के से बात करती थी क्या? हाँ, बात करती थी। अब वो पता नहीं उसी के साथ गई कि कहाँ गई। लड़का कौन था वो? पता नहीं है, हम पहचानते भी नहीं है। यहाँ का नाम क्या है? देश का राहुल नाम का लड़का था। तो दूसरे के देश का कैसे, मतलब कैसे समझ पाए कि वो दूसरे देश का है? उसकी भाषा नहीं आती हमें समझ में, कौन सी भाषा बोलता था। अच्छा, तो वो आपकी लड़की उससे कैसे मिली फिर? पता नहीं, पहले स्मार्ट वैली में गई थी हमारी लड़की काम करने, उसी से उसकी पहचान थी। अच्छा, वहीं से पहचान हुई थी? वहीं से पहचान थी कि लड़की को हमने यहाँ बुला लिया, वहाँ परेशान करी थी लड़की को बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहाँ पे गया? बमीना से झांसी तक घुमाते थे। स्मार्ट वैली कोई छोटी कंपनी थी, कोई प्राइवेट कंपनी बमीना में, उसी में फंसी थी लड़की, उसी से बुला ली थी। फिर लड़की को छोड़ी नहीं है मिलने, फिर यहाँ तक फोन लगा के बुला लिया। पता नहीं यहाँ पे है कहाँ पे है, पता ही नहीं चल रहा। तो कहाँ से भाई से लड़की? तो घर से जहाँ से गई है। तो नहीं तो लड़के आपने बाजार का पता नहीं किया स्मार्ट वैल्यू कंपनी में? नहीं, हमने तो बुला लिया था, हमने करवा रहे थे। नहीं तो जैसे आपकी लड़की, आपने बुलवा ली थी लड़की आपकी चली गई, तो उसके बाद आपने पता नहीं किया बाजार के? नहीं नहीं, कि हम लोग काम करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करके जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। पति क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं, जो ईटन मीटन का काम। तो वो भी नहीं गए आपके पति वहाँ पता करने? तो ऐसे यहाँ देना दिमाग बैस हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति भाई, वो आपकी लड़की भाई काम कर रही हो अभी कंपनी में? नहीं है, पता कर ली गया हमने। कैसे पता किया आपने? पूछा था, किसी का नंबर था, तो और कुछ लोग बोल रहे हैं मोहल्ला के कि हमने लड़की को जहाँ पे देखा है। कहाँ पे देखा? जी कल कह रहे थे। फिर आप किसने बता दिया? तो आप देखा, आप गए? आप पता नहीं गए, कह रहे हैं मैं 2-3 दिन पहले दिखी थी लड़की, वो आप 2 दिन से नहीं दिख रही, सोमवार को नहीं दिखी, इतवार को नहीं दिखी। थाने पे शिकायत करने गए थे आप? थाने पे शिकायत करी हमने, कह रहे हैं यहाँ नहीं है, किसने कहा, झूठ बोल रहा है सर। तो थाने पर सुनवाई हुई आपकी क्या? नहीं भाई, कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहती हो फिर आप? मुझे चाहती हूँ मैं सुनवाई करें, मेरी बच्ची को ढूंढ ले। हाँ, किसी ने नौकरी के लालच में बुला लिया मेरी लड़की को, अच्छा पैसा मिलेगा कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे ले गए। इस बात की सूचना आपको कैसे पता पड़ी कि आपकी बेटी को किसी ने नौकरी के लालच में बुलाया है? लड़की हमारी बोलती थी मुझे काम चाहिए कहीं पे भी, तो काम की तलाश में थी। तो आपकी बेटी किसी के संपर्क में थी? हाँ, कोई लड़की का फोन लगवाती थी कभी कभार। वो कौन है वो लड़की, कोई जानकारी? मुझे जानकारी नहीं, मेरा नंबर भी नहीं ले पाया उसका, वो लड़की डिलीट कर दिया उसने नंबर। आपकी लड़की के पास मोबाइल है? मोबाइल है, खराब वाला मोबाइल है।